हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ ट्वेन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं, चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर सबको डाउट हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्हें ये डर था कि अगर वांगची क्या किसी से भी अफेयर है तो आगे चल के इस अफेयर का क्या होगा। बट कोई भी कुछ भी बोलता नहीं है, वांगची भी कुछ बोलने से मना कर देता है। यहाँ पर सुबह सुबह विभूषण और विंग उठते हैं और वो देखते हैं कि सारे के सारे कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, सारे के सारे खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर विभूषण और विंग जो था वो सारे के सारों के साथ मिलकर यहाँ पर वो भी उन लोगों के खेत को देखने के लिए जाते हैं। पहले उन लोगों ने आराम से उठकर नाश्ता किया था, दो परांठे खाए थे जो कि उनके यूजुअल चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट था, और उसके बाद वो लोग खेत के लिए जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा था और धूप भी थी। यहाँ पर ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं उसके बाद ट्रैक्टर पर बैठ के ये लोग खेत जोतने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों की कटाई भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें भी रख रहे थे। यहाँ पर विभूषण और विंग भी मिलके ट्रैक्टर को आजमाना चाहते थे कि कैसा होता है, उसे चलाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर शिचन उन्हें बताता है कि ट्रैक्टर को कैसे चलाया जाता है, किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। विभूषण काफ़ी इंटरेस्टेड होता है और विंग भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। विभूषण ट्राई भी करता है और वो सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रैक्टर चला भी लेता है। पहले उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि इसे कैसे चलाऊँ, कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए। और यहाँ पर जो लवांगजी था ना, वो बैठकर बहुत खुश हो रहा था। फिर वांगजी कहता है, मैं बोनेट पे बैठूंगा। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, चुपचाप यहाँ बैठो, और उसे डांट देते हैं, जिसे देखकर वो पाउट बनाने लगता है और विंग उसे जानबूझकर चिढ़ाने लगता है। यहाँ पर हमारे प्यारे विभूषण के साथ शिचन बैठे हुए थे और पीछे विंग जो था वो जानबूझकर हमारे लंजा को छेड़ रहा था। वो कभी लंजा को गुदगुदी करता और कभी कभी कुछ करता, जिसकी वजह से लंजा जो था वो हंसने का साउंड निकाल रहा होता। और यहाँ पर शिचन को लगता है कि शायद लंजा और विंग के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। पक्का जो विंग है ना, वही लंजा का पार्टनर होगा, क्योंकि वो हर टाइम लंजा से क्लिंगी रहता है। हर टाइम जब वो यहाँ भी आ रहे थे तब भी विभूषण जो था वो आगे आगे चल रहा था और शिचन से बात कर रहा था, लेकिन विंग पूरे टाइम लवांगजी को ही सताने में, लवांगजी को चिढ़ाने में और लवांगजी से मस्ती करने में ही लगा हुआ था। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद लंजा जिसे डेट कर रहा है ट्विन भाइयों में से, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते थे, बस दोनों की पर्सनैलिटी, बाल थोड़े से अलग थे और पहनावा, बाकी शक्ल मोल हर चीज़ एक जैसी थी। तो यहाँ पर जो था वो उसे लगता है कि शायद लंजा का जो अफेयर है ना, वो पक्का का पक्का विंग के साथ होगा। एक जगह धूप में ये लोग बैठ गए थे और वहाँ पर बैठ के ये अंदर खेतों में ही खाना खा रहे होते हैं। खाना इतना मज़े से ये लोग खा रहे थे ना। वांगजी अपने हाथों से पहले तो विंग को खिलाता है और उसके बाद विभूषण गग को, जैसे कि उसे आदत पड़ गई थी। और दोनों ही भाई बड़े मज़े से खा रहे थे। तभी शिचन बहुत कंफ्यूज हो रहे थे आखिर कि चल क्या रहा है, आखिर वांगजी जो डेट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे हर बार जब भी इन लोगों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखते थे। फिर वो सोचते थे कि शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और इससे ऊपर इनके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो ये चीज़ सोच सोच के अपने आप को कंसोल करते थे और सोचते थे कि ओवरथिंक, आजकल में लगता है कुछ ज़्यादा ही टीवी सीरियल देख देख के मेरे मन में कुछ अजीब से भाव आ रहे हैं। लेकिन फिर से वो जब भी विभूषण और विंग को, सॉरी लवंगची को गिगल करते हुए देखता और हाथ पकड़ते हुए देखता, घूमते हुए देखता, और किस तरह से ये दोनों अल्फा उसके भाई को एडमायर कर रहे थे ये करते हुए देखता, तो वो बेचारा अपना सिर झटक के कहता, नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रहा हूँ। यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली को इतना तो पक्का यकीन था कि वांगची में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जिस तरह से वांगची अपने दोनों गगों के साथ ही पूरे टाइम रहता, अपने दोनों गगों को ही सारी जगह घुमा के लेके आता और अपने दोनों गगों को भी 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता था, वांगची यहाँ पर बदल गया था। वांगची में कुछ चीज़ थी जो बदल गई थी और इस चीज़ को बहुत भली भांति उसके पेरेंट्स समझते थे कि वांगजी को किसी से प्यार हो गया है, बट किससे ये नहीं, ये जानने के लिए तो सारे के सारे कंफ्यूज थे। चिचन जो थे वो भी कंफ्यूज थे, लेकिन अंकल चरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो स्टबनली ये सोचते थे कि वांगजी किसी को भी पसंद कर ले, एट द एंड वांगजी की शादी वो अपनी पसंद से ही कराएंगे, तो इसलिए उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि वांगजी उनका सबसे लाडला नेफ्यू था, तो इसलिए वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते थे। वो फिलहाल उसे अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीने के लिए किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करना चाहते थे, जैसे कि वांगजी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो सोचते थे कि अभी फ़िलहाल वांगजी पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वांगजी को खुली छूट देनी चाहिए, वांगजी का जो मन करे वो उसे करने देना चाहिए। यहाँ पर वांगजी जो था ना, वो अपने गग
से, यानी कि अपने दोनों गगा भूषण और विंग गगा से काफ़ी ज़्यादा अटैच था। वो उनके साथ यहाँ पर हाथों में हाथ डाल के चलता था रात में। एक बार तो वो उन दोनों गगा से मिलने के लिए ऊपर छत पे बुलाता है, क्योंकि छत पे बहुत ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा आ रही थी और दोनों ही गगा उसे मिलने पहुँचते हैं। यहाँ पर वो कहता है, ब्रदर मुझे ऐसा लगता है गगा जो शिजन गगा हैं और बाकी सब हैं वो कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं। तो वो लोग एक जना वांग जी को आगे से हक कर लेता है और पीछे से दूसरा जना और कहते हैं, ओह वांग जी हमने तुम्हें बहुत मिस किया, हम सबके सामने रहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकते, क्यूटली तुमसे मिल नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते हमें कैसा अजीब सा लगता है जब सारे के सारे हमें देख रहे होते हैं। तुम्हारी फैमिली सच में हम लोगों पे निगाहें ढके हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे बोल नहीं पाती, लेकिन उन लोगों को समझ सारा कुछ आ रहा होता है। वो लोग जानते हैं कि हमारे बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर वांग जी मुस्कराता है और कहता है, गग मैं भी जानता हूँ। वो लोग समझते हैं कि मेरा किसी से तो अफेयर है, बट वो लोग कुछ कहते नहीं। यहाँ पर मुस्कराते हुए विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, अगर वो लोग कभी हमसे खुल के पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर भूषण कहता है, बकवास मत करो वांग जी, जो है ना वो अभी स्टूडेंट है, अगर इसके पेरेंट्स को पता चला तो उन्हें कैसा अजीब सा लगेगा, ये दो दो अल्फा को डेट कर रहा है। ये सुनकर जो हमारे प्यारे भूषण गगा थे ना वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेते हैं और उसके दोनों बम को जानबूझकर स्क्वीज कर देते हैं। यहाँ पर वांग जी कहते हैं कक, और पीछे से विंग आ जाता है, विंग अपने लोअर बॉडी के पार्ट को वांग जी के जो हिप बोन थी वहाँ पर हल्के हल्के तरीके से रब करने लगता है और कहता है, ओह वांग जी तुम इतने छोटे क्यों हो, तुम्हें पता है अगर तुम इतने छोटे नहीं होते तो कब का हमने तुम्हें डीफ्लोर कर दिया होता, यानी कि तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली होती, बट तुम अभी छोटे हो, कॉलेज गोइंग हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं, वरना बाद में तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी रहूँगा। भूषण कहता है, ज़्यादा उसे तंग मत करो। और यहाँ पर वांग जी जो होता ना वो उन दोनों को सामने से फ्रंट में लाता है और टाइटली हक कर लेता है। वांग जी के ही नेक पर वो दोनों के दोनों किस कर रहे थे। वांग जी कहता है, कको फुशियन कको इंग कको प्लीज़ नेक पे कोई भी मार्क मत छोड़ना। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं ओके, और यहाँ पर वो लोग जानबूझकर वांग जी की जो शर्ट थी ना उसमें हाथ डाल देते हैं और वो धीरे धीरे ना वांग जी की जानबूझकर उसके दोनों जो चेस्ट थी उसके निपल्स को दबाने लगते हैं। वांग जी की भी मोयनिंग आ गई थी, वो मोयन कर रहा था और यहाँ पर उनका एक एक हाथ वांग जी के प्यारे प्यारे हिप्स को स्क्वीज कर रहा था और वांग जी जो था वो मोयन कर रहा था। यहाँ पर पहले भूषण वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उसे किस करता है। बहुत देर तक वो भूषण वांग जी को किस करता है और फिर विंग वांग जी को किस करता है और इसी तरह से वो एक दूसरे को हक करके ऐसे ही थोड़ी देर तक रहते हैं। उसके बाद वांग जी उनसे अलग हो जाता है जब वो देखता है कि पड़ोस का कोई इंसान छत पे आया है। यहाँ पर भूषण और विंग भी खुद को कंपोज करते हैं। वांग जी कहता है, गगा इस तरह से खुले में छत पे मिलना ठीक नहीं होगा, कोई देख लेगा और मदर फादर को कह देगा तो। यहाँ पर विंग कहता है, तुम डरते हो क्या माई लिटल लेवल। हाँ यहाँ पर वो कहता है, नहीं मैं नहीं डरता, बट मुझे नहीं लगता अगर मदर फादर को ये पता चला उन्हें लगेगा आप लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ पर उसकी जो प्यारे से गगा थे ना वो कहते हैं कि मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा। वहाँ पर वो पड़ोसी दूर से ही हमारे प्यारे से वांग जी को हाई करने लगता है। वो जो इंसान था ना वो वांग जी का पड़ोसी था और वांग जी की ही उम्र से 2-4 साल बड़ा था। और यहाँ पर वो वांग जी से पूछने लगता है, तुम कब आए शहर से। यहाँ पर विभूषण और हमारे विंग को बहुत ज़्यादा जलसी हो रही थी क्योंकि ये भी एक अल्फा था। वांग जी मुस्कराकर जवाब देता है कि बस एक दिन ही हुआ है आए हुए, एक दो दिन से ही मैं यहाँ पर हूँ। वो बंदा कहने लगता है, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। तभी यहाँ पर विंग मुड़कर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया है क्या। वांग जी यहाँ पर जानबूझकर उसे पिंच करता है और मना करता है बोलने से। यहाँ पर वो इंसान कहता है, आप दोनों कौन हैं। तो वांग जी कहता है, ये मेरी आंट है ना, आंट वे उनके बच्चे हैं, ये भूषण गगा हैं और ये इंग गगा हैं। यहाँ पर वो इतना प्यारा स्माइल कर रहा था तभी भूषण उस लड़के की तरफ टर्न होता है और कहता है, तुम रात में इतनी जल्दी सुबह मतलब छत पे क्या कर रहे हो, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो कहता है, मैं अपने ओमेगा पार्टनर से फ़ोन पे बात करने आया था। तो वो कहता है, नहीं नीचे जाओ वरना हम तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देंगे कि तुम इस उम्र में आशिकी करते हो। वो यहाँ पर गुस्से में कहता है, आप बता दीजिए
वैसे भी मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं एक ओमेगा को डेट कर रहा हूँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनकर ना विजयन को थोड़ा सा गुस्सा आता है। यहाँ पर वो कहता है, अच्छा तुम किसी को डेट कर रहे हो, मैं भी तो किसी को डेट कर रहा हूँ। वो जानबूझकर उसके सामने वांगजी को खींचता और कहता है, मैं वांगजी को डेट कर रहा हूँ, तो आज के बाद मेरे ओमेगा से बात मत करना। विंग कहता है, ब्रदर, और वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम वांगजी से बात नहीं करोगे। यहाँ पर वो इंसान कहता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं भी वांगजी का बॉयफ्रेंड हूँ। वो भी वांगजी को अपनी तरफ खींच के कहता है, और जिसकी वजह से वो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, वांगजी तुम्हारे दो दो बॉयफ्रेंड हैं? वांगजी कहता है, ये दोनों गगो बस तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है, वांगजी तुम मुझे पागल कर दोगे, वैसे ही मैं अपने ओमेगा से बहुत सारी लड़ाई करके आया हूँ, उफ़ो मैं नीचे ही चला जाता हूँ, मुझे तुम लोगों की लड़ाइयों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर सारे पागल हैं, एक मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानते, एक यहाँ पर ये लोग पागल हो चुके हैं, वांगजी आई हेट यू, और वो ये बोलकर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वेवुशन और विंग जो है वो फिर से वांगजी के करीब आते हैं, उसके नेक को किस करते हैं और कहते हैं, बट वी लव यू, और ऐसे बोलकर वो वांगजी को और भी ज़्यादा पास आ रहे होते हैं कि तभी वांगजी दोनों को साइड में ज़ोर से धक्का देता है और कहता है, बट आई हेट यू, आई हेट यू यू, आई हेट यू यू टू। ऐसे बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। दोनों के दोनों देख रहे थे कि वांगजी के दोस्त को जिस तरह से उन लोगों ने भगाया ना, उसके बाद वांगजी को गुस्सा आ गया था। और यहाँ पर विंग और विजयन मुस्कुरा रहे थे, वो चांद को देख रहे थे। फिर वो दोनों ही नीचे बैठते हैं और चांद को देख रहे होते हैं। यहाँ पर विजयन कहता है, क्या यिंग तुम्हें जेलसी फील हुई जब वांगजी उससे बात कर रहा था? यिंग कहता है, और तुम्हें भी ना, तभी तो तुमने वांगजी को पहले अपनी तरफ खींच के उसे ये दिखाया कि तुम्हारे पास भी एक बॉयफ्रेंड, आई मीन ओमेगा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर यिंग कहता है, तभी विजयन जवाब देता है, ऑफ कोर्स मुझे जलन हो रही थी, उस जैसे निखम्मे निखट्टू के भी अगर बॉयफ्रेंड हो सकता है तो वो वांगजी को ऐसे कैसे दिखा सकता है। मैंने भी उसे बता दिया कि मैं वांगजी का बॉयफ्रेंड हूँ, यिंग कहता है, इसलिए मैंने भी बता दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि आप सबको बता दो कि आपका और उसका चल रहा है और मैं बूंदों की तरह शक्ल देखूं। वैसे वांगजी को कितना ज़्यादा अजीब लगा होगा ना, उसके तो चेहरा देखने लायक था। यहाँ पर विजयन कहता है, वो दो मिनट के लिए डर गया था कि उसे रिप्लाई क्या करना चाहिए। फिर शुक्र है हमने बात घुमा दी और सीन को फनी बना दिया। यहाँ पर विजयन और रिंग हंस रहे थे। फिर वो उठते हैं और नीचे रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर वांगजी पाउच बना के बैठा हुआ था। वांगजी उन्हीं के रूम में बैठा हुआ था जब विजयन और रिंग का कहते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी वांगजी कहता है, गगो आप लोगों ने ये क्यों किया? अगर उसने मदर फादर को कह दिया तो? यहाँ पर उसे एकदम से आते हुए देख अपने करीब, सीधा विजयन उसे बेड पे फोर्सफुली गिराता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, अगर उसने घर पर बता दिया तो क्या वांगजी? वांगजी कहता है, गगो नोटी नहीं होना प्लीज़। यहाँ पर वो जानबूझकर वांगजी की शर्ट को ऊपर तक कर देता है और यहाँ पर वो वांगजी के एक निपल को अपने लिप्स से सक करने लगता है। वांगजी की मॉर्निंग रूम में फैल रही थी वांगजी के लिप्स पे। यहाँ पर दूसरा भाई अंगूठा फेरते हुए कहता है, वांगजी तुम कुछ कह रहे थे? वांगजी कहता है, आप दोनों पवर्ट हो, आप दोनों जानते हो मुझे सांस चढ़ रही है और मुझे किस तरह से सड्यूस किया जाए, आप क्यों कर रहे हो? गो गो हटो ना। लेकिन यहाँ पर विंग जो था वो नीचे आता है। दोनों ही भाई अब दोनों ही उसकी चेस्ट के निपल को सक करने लगते हैं। वांगजी की मॉर्निंग कमी नहीं हो रही थी। तभी उनका दोनों का एक एक हाथ स्लाइड हो जाता है वांगजी के ट्राउजर में। एक भाई वांगजी को फोरप्ले करना लग जाता है और एक वांगजी को टीज करने लग जाता है। वांगजी की मॉर्निंग ख़त्म नहीं हो रही थी। वांगजी अब और भी ज़्यादा उत्तेजित फील करने लगता है और वांगजी की आंखों में लस्ट भर गया था। वो इससे पहले कुछ बोलता ये लोग वांगजी के साथ अपने हाथ से ही मास्टरबेट करने लगते हैं और वांगजी का सारा रिलीज वांगजी के ही पेट पे गिरा देते हैं। और फिर साइड से विजयन टिश्यू निकालकर वांगजी की टमी को साफ कर देता है। वांगजी यहाँ पर हाँफने लगता है और कहता है, आप लोग बहुत मीन हो, आप दोनों मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ते हो। यहाँ पर विजयन मुस्कुरा रहा होता है और हमारा विंग भी। विंग कहता है, हम मीन हैं, ये देखो। यहाँ पर वो लोग दिखाते हैं कि उनकी पैंट में भी सब चीज़ें कितनी हार्ड होकर रखी हैं और वो कहते हैं, अगर हम मीन होते तो तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी क्या कंडीशन होती, तुम हम दोनों को झेल भी नहीं पाते, लेकिन तुम अभी तक वर्जन हो, तो इससे पता चलता है कि हम मीन नहीं हैं। और यहाँ पर वांगजी कहता है, बट मैं भी आप लोगों को अच्छा फील कराना चाहता हूँ। यहाँ पर विजयन और विंग कहते हैं, नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं, अभी अभी तुम ये मान लो कि तुम बहुत लकी हो कि हम तुम्हें अभी फ़िलहाल
छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार हमने तुम्हें डीफ्लावर कर दिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम अलग अलग रूम में रह पाएंगे। ये बोलने के बाद वांगजी के कान लाल हो गए थे। वो उन्हें शेमलेस बोलता है और फिर अपने कपड़ों को ठीक करता है और रूम से चला जाता है और कहता है, गगा आई लव यू टू। मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। यहाँ पर उसके दोनों गगा उसे चीक्स पे किस करते हैं और वांगजी को बाय कहते हैं। वांगजी जैसे ही उन लोगों के रूम से निकलता है और यहाँ पर वो दोनों अपने रूम को बंद कर देते हैं और जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। वांगजी जैसे ही अपने कमरे के लिए भरता है ना, तो उसे बिल्कुल ही रूम से बाहर निकलने के बाद उसे सामने ही शिचन से टकरा जाता है। शिचन यहाँ पर देख रहा था वांगजी की नेक कितनी ज़्यादा रीसेंट किए हुए किस की वजह से लाल है और वांगजी का पूरा शरीर जो है वो थोड़ा थोड़ा स्वेटी हो रखा है और वांगजी कितना मैसी लग रहा है। वो सीधा वांगजी से पूछते हैं, वांगजी ये सब क्या चल रहा है? वांगजी यहाँ घबरा जाता है, डर जाता है और वो कहता है, कुछ नहीं ब्रदर। तो यहाँ पर वो वांगजी की नेक पे जहाँ पर थोड़ी सी किस की लव बाइट सी लगी हुई थी ये वो दिखा कर कहता है, अच्छा तो ये क्या है, सच सच बताओ तुम्हारा किसके साथ अफेयर है? यहाँ पर वांगजी घबरा जाता है और कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं मदर फादर और अंकल को बुला लूँगा। सच सच बताओ वांगजी, तुम किसके साथ डेट कर रहे हो? क्या वो वूशियन है या यिंग है? वांगजी अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो उसका ब्रदर कहता है, ठीक है मैं मदर फादर को अभी इकट्ठा कर देता हूँ, सच सच बता रहे हो या नहीं? वांगजी यहाँ घबरा जाता है और गाइस यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।